अब क्या होगा आगे? यूपी में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन सोच रही है कि अगर कुछ करना है बीजेपी के खिलाफ तो बिना यूपी के तो हो नहीं सकता, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। अभी तक जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और आरएलडी है। पिछले 3-4 दिनों से चर्चा शुरू हो गई है बीएसपी की। मायावती ने खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी जब उन्होंने कहा था कि पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि बीएसपी की गारंटी कौन लेगा, मतलब उन्होंने कहा था कि बीएसपी चुनाव के बाद तो कहीं भी जा सकती है, वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है। और ये सच भी है कि बीएसपी तो बीजेपी के साथ मिलकर यूपी में सरकार बना भी चुकी है और चला भी चुकी है। हालांकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी कोई एक बार नहीं हुआ है, दो बार हो चुका है, मुलायम सिंह यादव और कांसीराम और फिर अखिलेश यादव और मायावती भी। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव और मायावती झगड़ रहे हैं, कांग्रेस की मौज हो रही है और कांग्रेस चाहती है कि दोनों ही उनके साथ रहे। क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? जब अखिलेश यादव को मायावती कह रही हैं कि ये तो जातिवादी नेता हैं, दलित विरोधी हैं, लेकिन भाई राजनीति में ना रिश्ते कपड़े की तरह बदलते हैं। किसी ने सोचा था कि 2019 में मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ मंच पर दिखेंगे? और मैंने देखा मैनपुरी के मंच पर डिंपल यादव ने मायावती के पांव छूकर आशीर्वाद लिए थे। तो अब यूपी में राजनीति करवट बदल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक ही नहीं, 2022 में जो चुनाव हार चुके हैं उन सबको भी बुलाया गया था। सबसे दिल खोलकर बातें हुई और यही एक ऐसी बात कह दी अखिलेश यादव ने कि अब लग रहा है यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात वाकई अंदर की, और अंदर की इसीलिए है कि अखिलेश यादव मायावती पर पिछले 2 दिनों से बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गए हैं। ऐसे करते नहीं हैं लेकिन बता यही रहे, कुछ नहीं बोलते हैं। सवाल आप 10 पूछ लीजिए कि मायावती ने आपके बारे में ये कहा, वो कहा, ये कहा, वो कुछ नहीं बोलते, कुछ और कहने लगते हैं। लेकिन बंद कमरे में जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि अब लग रहा है कि यूपी में खिचड़ी पकने लगी है। अब सोच रहे हैं कौन सी खिचड़ी पक रही है? भाई ये खिचड़ी जो पक रही है इंडिया गठबंधन की खिचड़ी पक रही है, और बहन जी की भी एंट्री हो सकती है। और बहन जी को अखिलेश यादव तो बुआ कहा करते थे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। और ये बात मैंने एक विधायक से नहीं, कईयों विधायक से पूछ ली है, यानी बात 16 आने सच है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में मुझसे बड़ी हैं, वो बड़ी नेता हैं, इसलिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री को वो रोक नहीं सकते। उन्होंने तो शर्त रख दी थी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में, उनकी तरफ से उनके चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा था कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी आप बताइए ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि बीएसपी गठबंधन में आ सकती है। तब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा ये सब मीडिया में, अखबार में, टीवी में चलता है, ये बात सही नहीं, हमारा गठबंधन तो आपसे है। तो फिर कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कह दिया कि हम लोग तो बीएसपी से टच में हैं। यानी बात तो हो रही है, अब तो बात खुलकर सामने आ गई है कि कांग्रेस के नेता मायावती और उनकी पार्टी से संपर्क में है। और अब अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि मायावती की एंट्री रोकी नहीं जा सकती, इसीलिए तो वो बार बार ऐसा कह रहे थे कि बिना ही खुलकर कहे, इशारों इशारों में अखिलेश कह रहे थे कि मायावती बीजेपी की टीम है। अब देखिए 4 दिन पहले दोनों के बीच में कितने झगड़े हो रहे थे, भले ही बोल वचन से ही हो रहे थे, कल को दोनों साथ भी बैठ सकते हैं, और आपने दोनों को साथ साथ तो कई बार देखा भी है। और राजनीति में तो रिश्ते बदलते रहते हैं वक्त और ज़रूरत के हिसाब से। दिल्ली में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है। लेकिन जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इंतज़ार करिए, अभी इंतज़ार इसीलिए करिए कि 15 जनवरी को बहन जी का बर्थडे है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बर्थडे है, और ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कांग्रेस कैंप से भी और बीएसपी कैंप से भी ये खबर आ रही है कि 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर कोई बर्थडे गिफ्ट दे सकती है वो, यानी वो इस बात का ऐलान कर सकती हैं कि वो भी इंडिया गठबंधन में आ रही है। ये भी पता चला है कि अखिलेश यादव ने शर्त रख दी है, उनको ये पता चल गया है कि मायावती आ ही रही हैं,
तो उन्होंने कहा कि 2019 में जैसे मायावती ने उनसे एक सीट ज्यादा ले ली थी लोकसभा में, यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 38 पर बीएसपी लड़ी, 37 पर समाजवादी पार्टी लड़ी और 5 सीट पर जो है वो लड़ी आपको राष्ट्रीय लोकदल। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि कम से कम सीटों का बंटवारा हो यूपी में, तो जितनी सीटें उनको मिले उतनी ही सीटें बीएसपी को मिले। अब इसका फार्मूला भी कांग्रेस की तरफ से तैयार किया जा रहा है कि यूपी में अगर मायावती को समाजवादी पार्टी के मुकाबले उतनी ही सीटें मिलती हैं तो फिर उनको कुछ सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों में एक दो सीटें देकर के मामले को निपटाया जा सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब मैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस गया, जो विधायक बैठक से बाहर निकले, उनसे बातचीत की, तो जो विधायक कल तक एकदम मायावती के खिलाफ लोहा लिए हुए थे वो लोग भी कह रहे थे कि भैया अच्छा हो गया, अगर बहन जी आ जाती हैं तो पार्टी के लिए भला होगा। यानी लोकसभा चुनाव में उन्हें भी लग रहा है कि फायदेमंद हो सकता है। कांग्रेस के नेता जो यूपी के हैं वो तो बार बार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खुलकर कह ही रहे हैं कि बीएसपी से भी गठबंधन करना चाहिए, इस गठबंधन में बीएसपी को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए, खास तौर से पश्चिमी यूपी के, और वो भी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नेता तो जोर दे दे कर ये बात कह रहे हैं, वो इमरान मसूद हों या फिर कोई दूसरे नेता हों। अब तो समाजवादी पार्टी के भी पश्चिमी यूपी के नेता ये बात कहने लगे हैं कि भाई अगर इस गठबंधन में बीएसपी शामिल होती है तो ही पश्चिमी यूपी में बात बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि कल तक जो बंटवारे की चाबी थी ना यूपी में सीटों के बंटवारे की, वो अखिलेश यादव के पास थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो बंटवारे की चाबी कांग्रेस के हाथ में खिसकती नजर आ रही है। हालत ऐसी हो गई है कि अगर अखिलेश यादव को कहा जाए या ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर मायावती आ जाती हैं, उन्हें बाहर जाने की नौबत आए, गठबंधन से अगर उन्हें कुछ कम सीटें देने की बात हो, तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? अगर उन्हें अलग लड़ना पड़े तो लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी हो सकती है कि वो बीजेपी से मिल गए हैं, ये बात मायावती तो कहती भी रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी जब गठबंधन नहीं बना था, इंडिया गठबंधन, तब प्रियंका गांधी भी ये कहती थी कि बीजेपी के खिलाफ तो लड़ते ही नहीं है अखिलेश यादव। अब अगर इस गठबंधन से बाहर चले जाएं अगर अखिलेश यादव को जाना पड़े, तो फिर ये पार्टियां माहौल बनाने लगेंगी कि देखो भाई सांप्रदायिक शक्तियों से मिल गए हैं, वो बीजेपी से मिल गए हैं। तो अखिलेश यादव के पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचता नहीं है कि वो क्या करें अगर मायावती की एंट्री होती है। हालांकि उन्होंने मायावती की एंट्री रोकने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन असली गेम जो खेल रही है यूपी में वो खेल रही है कांग्रेस। वैसे गठबंधन धर्म निभाने के मामले में देखें तो अखिलेश यादव ने हमेशा ही गठबंधन धर्म निभाया है, ये बात आंकड़े कहते हैं। 2017 में जब उन्होंने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था, तब भी उन्होंने कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी थी, हालांकि ग्राउंड पर यानी जमीन पर कांग्रेस की वैसी स्थिति नहीं थी। यहां तक कि 2019 में भी उन्होंने मायावती का सम्मान रखने के लिए वो खुद कम सीटों पर लड़े और बीएसपी को अधिक सीटें दी, एक सीट ही कहिए लेकिन कम से कम सम्मान रखने के लिए अधिक दी। यहाँ तक कि पिछले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, तब भी उन्होंने उसका ख्याल रखा था। अब भी जबकि आरएलडी के पास राज्यसभा तक पहुँचने के लिए विधायक नहीं है, उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा भिजवाया। तो गठबंधन धर्म निभाने के मामले में देखें तो अखिलेश यादव ने दिल हमेशा बड़ा किया है, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जहां अखिलेश यादव जो खुद दूसरों के लिए दिल बड़ा करते रहे, उनके सामने कोई दूसरा दिल बड़ा करने वाला दिख नहीं रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या अखिलेश यादव को कड़वा घूंट पीकर ही इस गठबंधन में बने रहना चाहिए, जिस गठबंधन में कल को कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी हो सकती है, या फिर उन्हें अकेले चुनावी ताल ठोक लेना चाहिए? क्या है आपकी राय? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।